ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है परमात्मा प्रत्यक्षता। पार्ट 6। टॉपिक है दैवी गुण। प्रत्यक्षता करने के लिए हमें दैवी गुणों की धारणा करना भी अति आवश्यक है। शिव पिता ने हमें दैवी गुणों की समझ दी है। प्रमुख दैवी गुण है पवित्रता, हर्षित मुखता, अंतर्मुखता, मधुरता, सहनशीलता, नम्रता, निर्भयता, धीरता। इनको ही आदि गुण व दिव्य गुण अर्थात देवताओं के गुण कहते हैं। दैवी गुणों की धारणा कैसे हो सकती है? बापदादा ने समझाया है, सदा आत्मिक स्थिति में रहने का तथा याद की यात्रा में रहने का पुरुषार्थ करते रहेंगे तथा आदि देवता स्वरूप का अभ्यास करते रहेंगे तो आत्मा में स्थित अनादि गुण व आदि गुण स्वतः इमर्ज होंगे और कलयुगी संस्कार जैसे नकारात्मकता, ईर्ष्या, अलबेलापन, आलस्य आदि अवगुण आहिस्ते आहिस्ते खत्म होंगे। पुरुषार्थ करने में ये संस्कार बहुत बाधाएं डालते हैं और उड़ता पंछी फरिश्ता हम नहीं बन पाते। पहला है पवित्रता। यह आत्मा का मुख्य निजी व अनादि तथा आदि भी गुण है। यह देवताओं का भी प्रमुख गुण है। सतयुग को पवित्र दुनिया कहते हैं। वहां देवताएं संपूर्ण पवित्र व संपूर्ण निर्विकारी होते हैं। ये संस्कार हमें यहाँ से लेकर पवित्र दुनिया में जाना है। सारे कल्प में ये संस्कार सिर्फ संगम युग में ही पतित पावन परमात्मा से हम अंदर भरते हैं। प्रत्यक्षता करने के लिए हमें अंतिम समय में जो ईश्वरीय सेवाएं करनी है उनका प्रमुख आधार पवित्रता है। इसलिए ध्यान देकर हमें यहाँ ही सत्वप्रधान बनना है तो हम ये सेवाएं कर सकेंगे। नेक्स्ट है हर्षित मुक्ता। मधुवन में बाप दादा अव्यक्त से व्यक्त में हमें मिलने आते हैं। उस समय बाबा कितने सुंदर, प्यारे, मीठे मीठे लगते हैं। क्यों? क्योंकि हर्षित मुखता, अंतर्मुखता आदि दैवी गुणों से बाबा भरपूर है। हमें भी बाप समान बनना है अर्थात सर्व दैवी गुणों की धारणा करनी है, सर्व गुण संपन्न बनना है। प्रत्यक्षता करने के लिए योग्यता संपन्न फरिश्ता बनना है तो शिव बाबा हमसे सबको देवताओं का साक्षात्कार कराएगा और प्रत्यक्षता के लिए सेवाएं कराएगा। नेक्स्ट है अंतर्मुखता। आत्मिक स्थिति में सदा रहने से अंतर्मुखता की धारणा कर सकते हैं। इससे बाह्य मुक्ता खत्म होती है। मेरा तो सिर्फ एक बाबा, यह वृत्ति तथा पिता व्रता की वृत्ति बन जाती है। बाप समान सुख, शांति, संतुष्टता से भरपूर अंतर्मुखी बन हम प्रत्यक्षता कर सकते हैं। नेक्स्ट है मधुरता व मीठापन अर्थात किसी को कभी दुख न देना
न लेना, तंग नहीं करना, ना होना, सबके साथ मिलजुल कर रहना, सबको सहयोग स्नेह देते रहना, इससे सेवा के लिए वायुमंडल अच्छा रहता है। नेक्स्ट है धीरता। धीरता से हम सदा धैर्यवान रहते हैं, उतावलापन कम होता जाता है, एक दूसरे से खिटपिट खत्म होती है, शांत वायुमंडल रहता है और पुरुषार्थ अच्छा चलता है। नेक्स्ट है सहनशीलता। सहनशीलता की शक्ति में एक नंबर में हमने चर्चा की है। नेक्स्ट है नम्रता, अर्थात निरहंकारिता, इससे हमें आगे बढ़ते रहते हैं। नेक्स्ट है नम्रता अर्थात निरहंकारिता, इससे हम आगे बढ़ते रहते हैं, सबकी दुआएं मिलती है, हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है, सदा आत्मिक स्थिति में रहने से नम्रता का गुण बढ़ता रहता है। नेक्स्ट है निर्भयता। आज सारे विश्व में सभी किसी न किसी डर के मारे जी रहे हैं, शक्तिहीन कमजोर बन गए हैं। हमें शक्तिशाली बनना है तो सदा सर्वशक्तिमान शिव बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप में रहने से व छत्र छाया के नीचे हर कर्म करने से सर्व प्रकार का डर खत्म होता है व हम शक्तिशाली बन आत्मविश्वास बढ़ता है और अंदर से गीत गुनगुनाते हैं, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। इस तरह हम सर्व दैवी गुणों की धारणा ध्यान देकर करते रहेंगे तो बाप दादा की प्रत्यक्षता हमसे सहज होगी। अगला टॉपिक है खजाने। श्वास, समय, संकल्प, ज्ञान धन आदि। श्वास और समय साथ साथ चलते हैं, अतः दोनों की चर्चा इकट्ठा करेंगे। श्वास चलता है उसी तरह समय चलता है। ऐसे कभी नहीं होता कि किसी का श्वास चल रहा है लेकिन थोड़े समय के लिए समय रुक गया है व समय चल रहा है किंतु श्वास सदा नहीं चल रहा है, दोनों साथ है। इसलिए अब हम सिर्फ समय की चर्चा करेंगे। समय आध्यात्मिकता में माना जाता है कि सब अविनाशी शाश्वत चीजें सत्य है, बाकी सभी विनाशी चीजें अशाश्वत है। समय स्थान आदि मानव ने अपनी सुविधा व कार्य व्यवहार के लिए निर्माण किए हैं, वे शाश्वत नहीं है। समय बदलता रहता है, एक सेकेंड दूसरे जैसा कभी नहीं होता है। यह सिद्धांत ध्यान में रखकर इसी समय में अर्थात संगम युग में हमें तीव्र गति का पुरुषार्थ करना है। सारे कल्प में संगम युग एक ही बार आता है, कल्प के अंत में, फिर वह दूसरे कल्प में आता है। इसको पुरुषोत्तम संगम युग भी कहते हैं। चूंकि स्वयं को उत्तम पुरुष बनाने का वरदानी कल्याणकारी सुहाना युग ही अभी है, स्वयं भगवान सारे कल्प में एक ही बार नीचे धरा पर आकर हम बच्चों के साथ अपनी
भूमिका अर्थात पार्ट विश्व रंगमंच पर बजा रहे हैं। सारे विश्व के लिए यह गुप्त युग है, यहाँ का ज्ञान गुप्त है, हमारा यह विश्वविद्यालय गुप्त है और ईश्वर पिता से इस समय मिलने वाला वर्षा भी गुप्त है। फिर भी स्वयं परमात्मा समय तथा हमारा भाग्य हमें मदद करने के लिए इस समय राजी है। अतः पुरुषार्थ करने के लिए मेहनत कम प्राप्ति ज़्यादा है। अल्पकाल में हम बहुत जमा कर सकते हैं और उत्तम पुरुष नारायण जैसा बन सकते हैं, सारे कल्प की कमाई भी कर सकते हैं। इस समय का पूरा फायदा हमें उठाना है, इसलिए हमें बुद्धिवान बन हर पल सेकंड बाय सेकंड जमा करना है। एक एक सेकंड को अभ्यास में लगाकर हमें हर सेकंड शक्तिशाली बनाना है। बाबा ने कहा है, सारा ज्ञान एक सेकंड का है। एक सेकंड में नष्टो मोहा बन, सब कुछ छोड़ शिव बाबा के साथ खुशी खुशी से जाना है। यही इस समय हमारा लक्ष्य है। लक्ष्य व लक्षण एक हो तो यह समय सफल हो जाएगा और हम सफलता मूर्त बनेंगे। हर पल हर समय हमें स्वयं को चेक करना है। मैं आत्मा स्वस्थ हूँ, ठीक हूँ, अपनी जगह पर हूँ। परमात्मा की स्मृति में अपने तख्त पर विराजमान हूँ। मैं स्वयं आत्मा का अनुभव कर रही हूँ या नहीं? शरीर में हूँ तो बाबा ने सिखाया है, इस समय चेक करो और चेंज करो। अविनाशी आत्मा का ध्यान रखो, सदा आत्मा बनकर मजबूत होकर रहो। हमें सदा परम धाम में शिव पिता के साथ रहना है तो संगम युग का सारा समय सफल हो जाएगा। साथ साथ हमारे पांच स्वरूप जैसे अनादि बिंदु स्वरूप, आदि देवता स्वरूप, आदि आदि, इसमें से हमेशा किसी एक स्वरूप में सदा स्थित रहना है वा सदा देह से न्यारा डिटैच होकर रहना है। बाप दादा कहते हैं, सदा न्यारा और प्यारा बनकर रहना है तो प्रभु प्रिय, लोक प्रिय तथा स्वयं प्रिय बनेंगे। अब वापस घर जाना है। इस पुरानी विनाशी दुनिया से ममत्व निकालना है और सारा संगम युग सफल करना है। यही तीव्र पुरुषार्थ करना है। इससे हमारे संकल्प बोल कर्म की बचत होती रहेगी, निरंतर आत्मिक स्थिति और हमेशा याद की यात्रा में रहने से परमात्मा संग का रंग लगेगा और आहिस्ते आहिस्ते हमारे में परिवर्तन आ जाएगा, ताकि विश्व परिवर्तक बन इसी समय हम परमात्मा की प्रत्यक्षता करने के लिए लायक बन सकेंगे। अगला टॉपिक है संकल्प। हमारे ब्राह्मण जीवन में यह संकल्प सर्वश्रेष्ठ बहुमूल्य शक्ति है, अतः यह जमा भी करनी है तथा उसकी बचत भी करनी है। परमात्मा से प्राप्त यह विशेष खजाना शक्ति भी है तथा वरदान भी है। सभी परमात्मा शक्तियों का मूल आधार है संकल्प शक्ति। ज्ञान, पवित्रता, शांति,
प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति, योग, धारणा, सेवा आदि सभी का आधार है ही संकल्प शक्ति। संकल्प अर्थात मन में उठने वाले सभी प्रकार के विचार। सो मन की सर्व शक्तियाँ जैसे भावना, वृत्ति, स्मृति श्रेष्ठ संकल्प शक्ति से पैदा होते हैं और शक्तिशाली बनते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ब्रह्मा ने अपने संकल्पों के द्वारा नई सृष्टि की रचना की। हमें भी अपने संकल्प शक्ति द्वारा सेवा करके नई सृष्टि की रचना करने के लिए निमित्त बनना है। जैसा हम सोचते हैं वैसे हमारे संकल्प होते हैं, अतः वैसे हम बनते हैं। इसलिए अगर हम अंदर से अपना परिवर्तन करना चाहते हैं तो हमें प्रथमतः संकल्प सिद्धि प्राप्त करनी है। संकल्प सिद्धि का अर्थ है हर संकल्प सिद्ध व सफल होना। संकल्प किया और वैसे हुआ, यह है संकल्प सिद्धि। बड़ी दादी जी को मेगा प्रोग्राम का संकल्प आया, उन्होंने हमें बताया और भिन्न भिन्न स्थान पर प्रोग्राम हुए, संकल्प करते ही पूर्ण हुआ, यह है दादी जी की संकल्प सिद्धि। संकल्प सिद्धि कैसे प्राप्त करें? हमें हर रोज ज्ञान सागर की मुरली दिल से सुननी है। ज्ञान बिंदुओं का अध्ययन तथा विचार सागर मंथन करके उस बिंदुओं का स्वरूप बनना है और कार्य व्यवहार में लाना है। तो ज्ञान की समझ अंदर अच्छी होकर श्रेष्ठ संकल्प पैदा होंगे और हमारे अंदर धीरे धीरे परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन उसके लिए दृढ़ संकल्प करना चाहिए कि मुझे परिवर्तन करना ही है। बाबा ने हमें अपना बनाकर एक ही शुद्ध समर्थ संकल्प से हमें शक्तिशाली बनाया। वह संकल्प था, बच्चे तुम आत्मा हो न कि यह शरीर, सभी आत्मा भाई भाई है। इस संकल्प से हमारी वृत्ति, स्थिति, दृष्टि, कृति धीरे धीरे बदलने लगी। इससे हमारे संकल्प शुद्ध श्रेष्ठ होने लगे। संबंध संपर्क में कटुता तनाव कम होने लगे और आपसी संबंध सुधरने लगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते ही ब्रह्मचर्य का व्रत रखकर पवित्रता के विषय में हम सन्यासियों के भी आगे बढ़े हैं। यह शिव बाबा ने हमें सर्टिफिकेट दिया है। संकल्प सिद्धि प्राप्त करने का श्रेष्ठ उपाय है मनसा वाचा कर्मणा में सदा जितना हो सके अव्यक्त रहना। द्वापर युग से हम ज्यादा बोलने लगे, अखंड व्यक्त करते रहे। व्यक्त करते करते हम देवता सो व्यक्ति अर्थात साधारण मनुष्य बन गए। अभी हमें प्यारा पिता शिक्षा देता है, बच्चे अब अव्यक्त बनने का समय है। मन के संकल्प वही चले जो आवश्यक है। सदा बोलते रहने से शरीर की एनर्जी भी वेस्ट होती है, अतः व्यर्थ संकल्पों की तेज गति को धीमी बनाना है तो संकल्प शक्तिशाली होंगे और संकल्प सिद्धि प्राप्त होगी। संकल्प सिद्धि प्राप्त करने के लिए साधन है पवित्रता, एकाग्रता तथा आत्मिक दृष्टि, स्थिति, वृत्ति और
सदा कंबाइंड स्वरूप की स्थिति, इसके साथ व्यर्थ नकारात्मक संकल्पों को खत्म करना है। ईर्ष्या, द्वेष, नफरत के संकल्प भी हमेशा के लिए समाप्त करना चाहिए। कौन सी भी परिस्थिति हो, कितनी भी हलचल हो, दृढ़ निश्चय से स्मृति स्वरूप बनना है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सर्व शक्तियाँ मेरे साथ है, मुझे अचल अड़ोल रहना है। इससे संकल्प सिद्धि सिद्ध होती है। आगे चलकर समय प्रमाण दुखी, बीमार, परेशान आत्माओं की सेवा करनी पड़ेगी, क्योंकि उस समय डॉक्टर तथा हॉस्पिटल भी नहीं होंगे। तो सिद्धि स्वरूप महारथी ब्राह्मण आत्माओं की दुआओं से बीमार ठीक हो जाएंगे। दुआएं दवाई का काम करेंगी। सिद्ध संकल्पों के वरदानों से थकी हुई, अशांत, दुखी आत्माओं को शांति, चैन, विश्राम मिलेगा। इस तरह अंतिम समय की सेवाएं सिद्ध स्वरूप आत्माओं से होगी। इसलिए संकल्प सिद्धि प्राप्त करने का पुरुषार्थ अभी से हमें करना है, तो प्रत्यक्षता के काल में यह काम आएगा। शिव बाबा ने अपने बच्चों को अनादि गुण, आदि गुण, शक्तियाँ और उसके साथ खजाने भी दिए हैं। उनको अपनाकर हमें ब्राह्मण सो फरिश्ता बनना है। ईश्वर पिता ने हमें ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, श्वास, संकल्प, समय आदि प्रमुख खजाने दिए हैं। अभी परिवर्तन काल में हमें परमात्मा के मददगार बनने के लिए योग्यता संपन्न बनना है। इसके लिए बाप दादा ने दिए हुए सर्व खजाने प्राप्त करा के उनकी बचत करनी है, उनको बढ़ाना है। वह शिव बाबा की चाहना के अनुसार संगम युगी रूहानी बैंक में हमारे खाते में जमा करके रखना है। अभी इन खजानों से संपन्न बन प्रत्यक्षता करने के लिए स्वयं की तैयारी करनी है। अगला टॉपिक है अविनाशी ज्ञान धन। यह ज्ञान धन का खजाना अविनाशी है, बहुमूल्य भी है। यह ज्ञान बिंदुओं की समझ अंदर से स्वीकार कर उनके अनुसार हमें इसी जीवन में चलना है। हर परिस्थिति, प्रसंग, समय अनुसार संबंध संपर्क में युक्ति युक्त, राजयुक्त होकर ज्ञान के बिंदुओं को प्रयोग में लाना है एवं श्रीमत के अनुसार चलना है, तब हम सबको संतुष्ट कर सकेंगे, सबकी दुआएं ले सकेंगे और आगे बढ़ सकेंगे तथा आधा कल्प की राजाई का प्रालब्ध इस ज्ञान धन से पूरा पूरा प्राप्त कर सकेंगे। अगला टॉपिक है संकल्प का खजाना। ज्ञान मार्ग में सर्व पुरुषार्थ का फाउंडेशन है संकल्प। पवित्र, शक्तिशाली, श्रेष्ठ संकल्पों से हमारी वृत्ति सत्वप्रधान शक्तिशाली बनती है और वृत्ति से वाइब्रेशंस तथा वायुमंडल शुद्ध समर्थ बनता है। इससे मनसा सेवा द्वारा सकाश देने की सेवाएं भी
बहुत शक्तिशाली तथा प्रभावी हो सकती है। इसलिए बाप दादा ने समझाया है, यह संकल्प शक्ति बहुत फास्ट सेवा कराएगी। इसलिए संकल्प शक्ति के ऊपर और अटेंशन दो, बचाओ, जमा करो, बहुत काम में आएगी। प्रयोगी इस संकल्प की शक्ति से बनेंगे। अगला टॉपिक है दुआओं का खजाना। प्यारे बाबा ने सिखाया है कि संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना ही दुआएं देना और दुआएं लेना है। सुबह से शाम तक संबंध संपर्क में हमारे पास आने वाली सभी आत्माओं को हम सदा दिल से दुआएं देते रहेंगे तो दुआओं का खाता कितना बढ़ेगा और उन दुआओं से हमारी कितनी उन्नति होगी व अंतिम सेवा करने के लिए हम योग्यता संपन्न बनेंगे। अगला टॉपिक है खुशी का खजाना। अब हमें भगवान मिला, सब कुछ मिला, खुशी, शांति, प्रेम, सुख, सर्व खजाने मिले, जीवन संतुष्ट, सुंदर, सुखी बन गया, अंदर की निराशा, नाराजी, नकारात्मकता तो खत्म हुई। मीठे बाबा ने हमें मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर ज्ञान सूर्य, मास्टर स्वराज्य अधिकारी, सर्व प्राप्ति संपन्न बनाया। अतः अभी हम बहुत खुश हैं। स्वयं भगवान हमारा साथी, सोपती, सखा, साजन बन गया। अभी यह खुशी का खजाना हमें संभाल के रखना है, बढ़ाना है और खुश नसीब, खुशनुमा बन सबको बांटना है, सबका उमंग उत्साह बढ़ाना है और बाबा के स्वर्ग स्थापना के श्रेष्ठ कार्य में हमें खुशी खुशी में रहकर भगवान के साथीदार बनना है। अगला टॉपिक है शक्तियों का खजाना। सर्वशक्तिवान स्वयं भगवान के हम बच्चे हैं। सर्वशक्तिवान साथ है तो सर्वशक्तियाँ भी हमारे साथ है। सर्वशक्तिवान की छत्रछाया में रहते हम इतने समर्थ बन रहे हैं कि जिस समय जो शक्ति चाहिए उसी समय वही शक्ति हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अंतिम परिस्थितियों में सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति आदि शक्तियाँ ही काम आने वाली है। इसलिए अभी से हमें सर्वशक्तियों की बाप से प्राप्ति करानी है और समय पर प्रयोग करने का अभ्यास करना है। इस तरह सर्व खजाने सदा प्रयोग करने से और बांटने से ही बढ़ते हैं। इसका हमेशा हमें ध्यान रखना है। अगला टॉपिक है विशेष धारणा, एकाग्रता, बेहद का वैराग्य, शुभ चिंतन आदि। मन बुद्धि एक ही स्थान पर, एक ही संकल्प में केंद्रित व एकाग्र करना ही एकाग्रता है। शांति के क्षेत्र में व विज्ञान के व अन्य क्षेत्र में अन्वेषण करने के लिए एकाग्रता की शक्ति बहुत महत्व की है। विस्तार को संक्षेप में लाने की शक्ति
समेटने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति आदि सर्व शक्तियों का आधार एकाग्रता की शक्ति है। एकाग्रता का महत्व। हम ब्रह्मावत्सों के जीवन में पुरुषार्थ का सर्वश्रेष्ठ आधार ही एकाग्रता है। एकाग्रता से ही हम आत्मिक स्मृति में, परमात्मा की याद में, लगन में मगन होकर एकरस स्थिति में स्थित हो सकते हैं, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कर सकते हैं, ज्वालामुखी स्थिति से विकर्म विनाश करके, पाप भस्म करके हम सत्वप्रधान बन सकते हैं। ज्ञान योग बल से एकाग्रता के द्वारा हम कलयुगी संस्कार खत्म कर सतयुगी संस्कार इमर्ज कर सकते हैं। बाप दादा सत्य धर्म की व सतयुग की स्थापना कर सकते हैं। एकाग्रता का महत्व समझाने के लिए बाप दादा जब सन्मुख मिलने आते हैं तब एक एक मिनट की रूहानी ड्रिल भी करवाते हैं। इस तरह चलते फिरते सेकंड सेकंड भी हम सदा परमात्मा से परमधाम में मिलते रहेंगे तो हमारी एकाग्रता धीरे धीरे कितनी बढ़ेगी और हम एकाग्रता के अभ्यासी बन जाएंगे। इससे बीच बीच में एकांतवासी बनने की आदत हो जाएगी। एकाग्रता से हमारी मन बुद्धि की हलचल तथा परवशता व बुद्धि की भटकंती कम होने लगती है। एकाग्रता से हमारी यह श्रेष्ठ अवस्था तो होती है, इतना ही नहीं बाप दादा ने समझाया है कि हम पूर्वज हैं, इसलिए हमारे साथ सारी दुनिया की बुद्धि की बाह्य मुक्ता व भटकंती कम होकर उनकी भी एकाग्रता बढ़ने लगती है और उन्हें भी हमारे वाइब्रेशंस से सुख शांति शक्ति की अनुभूति होती है। इस तरह एकाग्रता से सारे विश्व को प्रकाश व हल्कापन तथा लाइट और माइट की प्राप्ति करा के हम अंतर्मुखी बना सकते हैं। एकाग्रता की स्थिति हमें प्राप्त होने के बाद यह सेवा नेचुरल होगी। शिव बाबा ने समझाया है, अंतिम परिवर्तन के समय भूकंप सुनामी बॉम्ब विस्फोट आदि आपत्तियों के कारण चारों तरफ बहुत हाय हाय होगी। उस समय अशांत दुखी बेचैन आत्माओं की मनसा सेवा करने का इशारा बाप दादा ने किया हुआ है। सुख शांति शक्ति की सकाश देने के लिए एकाग्रता बढ़ाने का बहुत समय का अभ्यास काम आ जाएगा। अतः परमात्मा प्रत्यक्षता के काल में ईश्वरीय सेवा करने के लिए एकाग्रता की धारणा अभी से हमें सुचारू रीति से संपन्न करनी है। एकाग्रता की शक्ति कैसे बढ़ाए? एकाग्रता की शक्ति बढ़ाने के लिए बीज स्वरूप का निरंतर अभ्यास तथा आत्मिक स्थिति का शक्तिशाली अभ्यास अमृत वेला रुचि से करना है। इसके साथ दिनचर्या में कर्म करते समय बीच बीच में समय निकालकर एकांतवासी बनने का अभ्यास करना है। अपने चलन बोल कर्म पर सावधानी रख अशुद्ध अशुभ व्यर्थ संकल्पों से सदा मुक्त रहना है व
हमेशा प्रसन्न चित संतुष्ट रहना है, प्रश्न चित्त नहीं बनना है। स्वयं भगवान साथ दे रहा है तो कोई प्रश्न उठ ही नहीं सकता। ओम शांति।